ये इसमें आपके हाजिर इमाम के और सरीना होटल वालों के दोनों के जो है वो बयान है, और नीचे जो है वो फरमान की डेट और सब कुछ है। भेज हाँ वो भी नहीं, तो इससे तो इसी से तो पता चलता है कि कितना तकवा है और कितनी परहेजगारी है। दो, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि इस्माइली मजहब में सूद की क्या रूलिंग है, क्या क्या आपके इमाम ने उसको हलाल किया है, हराम किया है, क्या किया है? हाँ तो कैटेगरी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक उस पर 39% पर अनम यानी पर ईयरली आपसे जो है वो सूद लेती है 39%, तो क्या ये जायज़ है आपके असल माल पर 39% इंटरेस्ट रेट? नहीं, वो देखो, वो सूद की बात करूँ, पूरे पाकिस्तान में मतलब माइक्रो बैंक जाओ, सारे जितने भी बैंक है सारे मतलब 49 से क्रॉस कर लेते हैं। एक तो अजीमा के बैंक नहीं लेते ना, सारे पाकिस्तान के इमाम बैंक सारे पाकिस्तान, क्या सारे दुनिया के मुल्क जो है ना वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो क्या वो हलाल हो जाएगा? नहीं, वो हालात देखो, उसमें भी है। अभी मैं खुद सोसाइटी चला रहा हूँ ना, मैंने आप सवाल क्या सुनो किया है, मैडम। मैंने सवाल क्या किया है, मैंने ये किया है कि इस्माइली मजहब में सूद हलाल है या हराम है, ये बस बता दो मुझे। ये कहा कि सूद की कैटेगरीज होते हैं, अभी हाँ मैं तो खुद मैंने सोसाइटी कैटेगरी चला रहा बताई हूँ। ना, नहीं, मैंने बिल्कुल 17 इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूँ ना, 17% इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ। आप अब सूद एक पे बंदा काम, मैं बहुत मशहूर है, आपकी अब बात वो नहीं कर बिजनेस रही, चला रहे हैं। आपकी सुनो बात नहीं कर रही, बिल्कुल, आपकी बात नहीं कर रही भाई। सुनो, आपने हाजिर इमाम की बैंक HBL से जब आप कर्ज़ा लेते हो ना, जैसे आपने लिया 2 लाख रुपया, हाजिर इमाम उस पे इंटरेस्ट जी लगाते हैं 39% के, साल के अंदर अंदर तुम मुझे असल भी वापस करोगे और फिर 39% उस पर ओवर भी दोगे, मुझे एक्स्ट्रा भी दोगे, तो ये सूद हुआ कि नहीं हुआ? कैटेगरीज है मैडम, जिस तरह बिजनेस वालों को अलग कैटेगरीज दे रहा है, हाँ मजदूर को अलग कैटेगरीज दे रहा है, गरीबों को अलग है, उस हाँ मिसालों के लिए 39 है, तो वो कई लोगों के में जाते हैं। आप गलत हो ये रहे, सूद होता है कि नहीं होता? सुबह क्यों बोले यार, एक बंदा मतलब वहां से ये 2 लाख रुपए सूद लेकर के वो नहीं आपने दे दिया, होता। रईमुल्ला बना भाई, रहे हैं रईमुल्ला आप, उसके भाई, फायदा हो गया। रईमुल्ला भाई, कोई सूद क्या होता है जरा मुझे बताना, सूद की डेफिनेशन बताओ जरा मुझे, सूद होता क्या है? मुझे पता नहीं, आप कहते सूद की बात तो आप करते हैं, मैंने सूद अच्छा मैं सूद नहीं हूँ, तो आपके मजहब में है ना, हमारे मजहब में तो इसका कोई पता नहीं, कोई हाँ, ये इंपोर्टेंस ही नहीं बोलो है। ना, ये बोलो कि हमारे मजहब में सूद का हलाल नहीं हराम नहीं होता, हमारा दिल करता है हम सूद भी मैडम, लेते हैं, हम देते भी हैं, ये बोलो ना। एलाइड बैंक में मजदूर के नाम पे वो 39% दे रहे हैं, तो वो ठीक है, हराम है, सूद है, जो कुछ करो, हराम है, हराम लेकिन वो है, एक हंड्रेड बिजनेस वाला परसेंट दे दिया हराम तो है। वो उसके जो मतलब दुख कोई कट्टी के ना कमाते हो, चिड़चिड़ नहीं करो चाचा, मेरी बात सुनो, हबीब बैंक करे, अलाइड बैंक करे, मजान बैंक करे, मुझे उसे परवाह नहीं है, सूद सूद ही रहेगा, चाहे तुम करो, चाहे मैं करूँ, चाहे हाजिर इमाम करे। अच्छा वो तो आपने एक बात क्लियर कर सुन, दी, आप हम इंश्योरेंस करते हैं, आप लोग इंश्योरेंस को भी सुन ओके समझते हैं, ओके, सब्र कर जाओ ना, सही है, आप सही बोल इंश्योरेंस रहे को हो, सुन समझते हैं, आप भी देखिए ना हंड्रेड परसेंट इंश्योरेंस सही बोल को। रहे हो, चुप कर जाओ। सूद यानी आपने बोल दिया कि हमारे मजहब में सूद हराम और हलाल नहीं होता, मुझे ये बताओ सूअर का गोश्त हलाल है कि हराम है? आराम हराम है। हाजिर इमाम सुअर का गोश्त बेचते हैं, भेजूं तस्वीर, भेजूं वो कंपनी का नाम, भेजूं हाजिर इमाम का आपके सा? घर में आके भेजा फिर मैंने, हाँ, सबर तो करो, रुको एक मिनट, मैं भेजती हूँ सुबह। मेरे भाई, हाजिर इमाम का फार्मर चॉइस कंपनी है जहाँ पे सुअर का गोश्त बिकता है, मैं वो कंपनी, हाजिर इमाम के शेयर्स और सब कुछ भेज रही हूँ, तो क्या इस्माइली मजहब में सूद जिस तरह हलाल हो गया, क्या सुअर का गोश्त बेचना भी हलाल है? छोड़ो मैडम, आपका मकसद क्या है, आप क्या कहना चाह जवाब रहे हैं, नहीं आप है, सच है इस्माइली है या गलत रास्ते पे, आपका वीडियो क्या है, आप लोग आप क्या करते हैं, आप मुझे बताना चाहिए, मैं मैं तो आपको देखो बता रही हूं कि आप जिसको आप लोग नूरुल्लाह बोल रहे हो ना, क्या है।
मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिसको आप नूरुल्ला बोलते हो ना, वो शराब भी बेचता है, वो सूद भी कारोबार भी करता है, वो सूअर का गोश्त भी बेचता है। अभी मैं शुरू हुई हूँ, अभी मैं और भी चीजें बता रही हूँ। अरे मेरे भाई, ये लो एकेडियन की वेबसाइट देख तो लो भाईजान, देख तो लो, ये लो ये लो ये लो ये लो, AKDN, AKFED, कीनिया आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, नीचे देखो क्या लिखा है, आगा खान सेल्स भाई, फार्मर्स चॉइस सेल्स फ्रेश प्रोसेस्ड पोर्क प्रोडक्ट्स इन कीनिया। अच्छा खा लिया सुअर का गोश्त? खा लिया भाई सुअर का गोश्त? खा लिया, गुजर गए इस चीजों से, हो गया। सूद खा लिया, सूद खा लिया, शराब पी ली। अच्छा मुझे ये बताओ, हाजिर इमाम के अंदर नूर है, उनके अंदर ताकत है, तो हाजिर इमाम जो है उनकी खुद की हालत ऐसी क्यों है जैसे अभी मरने वाले? ये चीजें मैं देखूंगा, घर में जाके देखूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम शराब पीता था या नहीं पीता हजरत अली माशाल्लाह, उनके बारे में, उनके करैक्टर के बारे में आपको काफिर भी बोलता हुआ मिलेगा कि वो बहुत नेक इंसान थे। मुझे अपने हाजिर इमाम का बताओ कि आज के दौर में उसके करैक्टर की गवाही कौन देगा? हाजिर इमाम की अपनी बीवियां, बात सुन लो ना चाचा, बात सुन लो, हजरत अली के करैक्टर की गवाही आज 1400 साल बाद भी हर कोई देगा। तुम्हारे हाजिर इमाम के करैक्टर की जो गवाहियां ना, तो उसकी दो बीवियां कोर्ट में केस करके गईं कि वो जानी है, एयर हॉस्टेस के साथ उसका चक्कर चला, एक दफा अपनी सेक्रेटरी से चला, दोनों जगह वो तुम्हारा इमाम केस हार गया। तुम्हारे इमाम के करैक्टर की जो गवाही है ना, वो आज के दौर में भी कोई नहीं दे सकता। मौला अली के करैक्टर की गवाही हर कोई देगा। मुझे ये बताओ कि हजरत अली की इबादत का तरीका आज भी सब बताएंगे, तुम्हारे इमाम की इबादत का तरीका इस दौर में भी किसी को नहीं पता। जो सच्चा होता है ना, वो हर दौर में सच्चा होता है। आपका इमाम इस दौर में भी सच्चा नहीं है और आखिरत में भी सच्चा नहीं है। हजरत अली पर तुम जाओ ही नहीं, हजरत अली के तो हम सब गवाह, तुम हजरत अली को नहीं मानते? अरे चाचा, तुम्हारा नाम बीपी रहीमुला, बात सुन लो, हजरत अली के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है आगा खान को। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, 1400 साल पहले, सांस ले लो मर जाओगे, सांस ले लो, 1400 साल पहले जो है ना, मौला अली का जो करैक्टर है, इबादत है, उनका तकवा है, वो आज भी लोग मानते हैं। तुम्हारा इमाम जिंदा बैठा है लेकिन अभी भी कोई उसके बारे में नहीं बता सकता। तुम्हारा इमाम, तुम्हारे इमाम की तो शक्ल भी मुसलमानों वाली नहीं, तुम क्या बात करते हो? अच्छा मेरी बात सुनो, आप इमाम को फॉलो करते हो ना, इमाम की, इमाम जो करेगा वो करोगे। अब इमाम ने अपनी बेटी जो है वो क्रिश्चियन को, क्रिश्चियन मॉडल को दी शादी के लिए, तुम अपनी बेटी क्रिश्चियन से शादी करने दोगे? मुझे ये बताओ, इमाम को फॉलो करते हुए तुम्हारा इमाम जो है ना, उसकी बेटी ने क्रिश्चियन मॉडल से शादी की या ईसाई, ईसाई मॉडल से शादी की, उसमें से उसके दो बच्चे हुए, दोनों बच्चे जो हैं वो ईसाई हैं, इलियान बॉयडन और सारा बॉयडन, दोनों ईसाई हैं। तुम अपनी बच्ची या ईसाई या यहूदी को दोगे और फिर उसके बच्चे जो हैं वो ईसाई और यहूदी होने दोगे? इसमें मसला ये है मेरा, इसमें मसला ये, आप सुने, इसमें कि हमारे हजरत ने फरमाते हैं कि हमारे प्यारे रूहानी बच्चों ना, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों कहते हैं, हाजिर इमाम की नूरानी फैमिली इस्माइली मजहब में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके रूहानी बच्चे हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह की जो पहली बीवी थी वो कौन थी? रहीमुल्ला, चढ़ 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 नहीं रहीमुल्ला, फजूल की ना मुझे दलीलें मत दो। सुल्तान मोहम्मद शाह की पहली बीवी कौन थी? मैं तुम्हारा ये रूहानी बच्चों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं भी अभी तुम्हारा खत्म कर देती हूँ। मुझे बताओ, रूहानी बच्ची नहीं थी सुल्तान मोहम्मद शाह की पहली बीवी? सुल्तान मोहम्मद शाह की पहली बीवी का नाम बताओ जरा। मुझे पता नहीं मैडम,
उसने अपनी रूहानी बच्ची से शादी की, तुम्हें ये नहीं पता? देखो हर दौर नहीं, उसी दौर में तुम्हारे इमाम ने अंग्रेजों से शादी करना शुरू कर दी, दौर नहीं बदला, इमाम भी वही रहा। तुम्हारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी ही रूहानी बेटी शहजादी बेगम से शादी की, जो कि उसकी कज़न थी, उसके चचा की बेटी थी। शहजादी बेगम को तलाक दी, उसी दौर में उसने एक बैलरीना डांसर जो नाचती थी, बैले डांसर थी, टेरेसा मैग्लियानो, उससे मुत्ता की शादी की। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? टेरेसा मैग्लियानो जो थी वो उससे शादी नहीं हुई, फ्रांस के जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें अली खान अब भी कुंवारी माँ का बच्चा लिखा हुआ है वहाँ पर। समझ आ रही है अब मैं बात? तुम्हारे इमाम ने, सुल्तान मोहम्मद शाह ने सिर्फ 3 साल पहले, जब वो औरत मरने वाली हुई और अली सलमान खान की उम्र जो थी वो 16 साल थी, तब जाके उस औरत को उसने लीगल शादी की है। इतना अरसा मुत्ता में रही, इतना अरसा उसका बच्चा, उसको बाप का नाम नहीं मिला, क्योंकि फ्रांस में मुत्ता मैरिज की कोई लीगल वो नहीं है। अली खान को तुम्हारे सुल्तान मोहम्मद शाह ने, तो ये तुम जो बात करते हो मेरे रूहानी बच्चों, तो मेरे रूहानी बच्चों को पता नहीं था कि मैं अपनी रूहानी बेटी से शादी कर रहा हूँ, शहजादी बेगम से शादी कर रहा हूँ, जो तुम्हारे इमाम की जो माँ थी शम्सुल मुल्क लेडी अली शाह, वो रूहानी बेटी नहीं थी इमाम की जो उसने उससे शादी कर ली? पहले तो तुम लोग शियों से भी शादी कर रहते थे, तुम्हारे इमाम को जब जब से ये अंग्रेज़ मॉडल औरतें पसंद आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मॉडल औरतें ही क्यों सब पसंद आती हैं? कोई आम अच्छे घर की औरत पसंद नहीं आती? ये तुम्हारी इनारा है वो पॉप सिंगर थी, सैली क्रुकर पोल जो थी वो मॉडल थी जिसकी ऑलरेडी शादी हुई थी, टेरेसा थी तो वो बैले डांसर थी, ठीक है? तुम्हारे इमामों को सिर्फ ये मॉडल ही मिलती है, कैंड्रा है मॉडल है, खालिया मॉडल है, ठीक है, ये तुम्हारी जो अभी नई पैदा हुई है सोनिया, वो जो है मॉडल है। तो तुम्हारे इमाम को अपनी बेटी के लिए भी मॉडल आदमी मिला, कोई शरीफ ईसाई नहीं मिला घरेलू टाइप का जो बिजनेसमैन हो खाली? ये सारे नाचने गाने वाले क्यों मिलते हैं तुम्हारे इमामों को? बात मुकम्मल हो गई मैडम आपकी। तुम्हारा सांस फूल गया मेरे भाई, तुम्हारा सांस फूल गया, तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या? ये अलग कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं हैरान हूँ, पता नहीं आप किस डिबेट के लिए आए, वो भी मोदी को लेके। माय स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, और उसी में से शादी कर ली, वाह जी वाह। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हजरत अली अलैहि सलाम शराब पीते थे, रोज इब्न मोहम्मद अली अलैहि सलाम से पूछ लेते हैं शराब क्यों नहीं लिया, शराब का मालिक है, ठीक है, वो मौला अली की, तुम फिर पागल हो गए। हाजिर इमाम शराब पी सकता है, तुम ये कह रहे हो वो मालिक है तो पिया नहीं है? जिस तरह अली अलैहिस्सलाम शराब पीता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा ना, हमारे और आपके बस सिर्फ अली को पहचान से। क्या हजरत अली शराब पीता है? कहाँ पीता है हजरत अली? पीता था कहाँ लिखा है बताओ? बिल्कुल। हाँ अच्छा, ये मैं शियों को फॉरवर्ड करती हूँ, जरा बताओ मौला अली क्या करते थे? शराब पीते थे? अच्छा, मौला अली शराब पीते थे। अच्छा, जब शराब की पाबंदी लग गई कि आज तुम पर जो है वो शराब हराम है, तब भी पीते थे क्या? देखो मैडम, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे सुनो, प्लीज। मौला अली जब शराब पर पाबंदी लग गई तब भी पीते थे क्या? जवाब दो ना। अब सुनो ना मैडम, 2 मिनट के लिए आप सुनो तो। देखो, जिस तरह रसूल के दौर में मुता निकाह होता था, बाद में पाबंदी लग गई, बाद में मुता निकाह होता था, बाद में पाबंदी लग गई, मकसद ये है कि हर दौर में रसूल हो इमाम हो वो अपने जमाने में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। पाबंदी लग गई ना, अच्छा सुनो तो सही, तुमने बोला पाबंदी लग गई, आज उमर अजीम का फरमान उमर है, चाचा बात सुनो, पाबंदी लगने के बाद कभी तुमने सुना है कि मौला अली ने शराब पी हो या मुत्ता किया हो पाबंदी के बाद भी? आप ये एग्री करते हो ना, उस टाइम शराब पीते थे बाद में पाबंदी लगना, ये तो एग्री करते हैं ना आप? कम मेरी बात सुनो, जब अल्लाह ने एक चीज हराम ही नहीं की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बात मान भी लो थोड़ी देर के लिए कि पीते थे, चलो तो मुझे बताओ जब हराम हो गई
तो हराम के बाद कभी पी है किसी ने? कोई सुना है तुमने किसी अल्लाह के नेक बंदे ने शराब हराम होने के बाद भी बेची और पी हो? देख मैडम, हर मेरे कहा है कि हर दौर में इमाम होते हैं और इमाम के अख्तियार है वो शरीयत को चेंज करे। अच्छा, तो इस्लामिज्म में हाजिर इमाम ने, हाजिर इमाम ने इस शरीयत में शराब बेचना हलाल कर दिया। नहीं समझा है, अथॉरिटी को नहीं समझे है, इसलिए आप हमें अजीब तंजुब लगते हैं ना। मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं कोई बहस थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आज के शरीयत में, इस्माइली मजहब की शरीयत में शराब बेचना हलाल है, बस ये पूछ रही हूँ मैं। तो बहस क्यों कर रहे हो, तो बहस क्यों कर रहे हो जब हराम बोल रहे हो, तो बहस क्यों कर रहे हो जब हराम बोल रहे हो? भाई तो सुन तो लो, जब जब कह रहे हो कि हराम है, तो फिर शरीयत शरीयत क्यों बोल रहे हो कि उसमें थी और अब जायज़ हो गई, थी और जायज़ हो गई? बात ख़त्म करो, हराम है तो हराम है, सूद हराम है तो हराम है, बहस क्यों कर रहे हो उस पर? सूद हराम नहीं है, देख सूद के कैटेगरी से मैंने आपको समझाया ना, सूद को किस शक्ल में आप देते हैं, प्रॉपर्टी की शक्ल में देते हैं, गरीबों की शक्ल में देते हैं, अल्ट्रा पुअर की शक्ल में देते हैं, आप वहां के रास्ता भी देखना। अच्छा, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे जो इस्माइली मजहब में ये जो सूद का जो है ना, मतलब कि कौन सा सूद हलाल है कौन सा सूद हराम है, ये इमाम ने कहाँ लिख के दिया? आप लोग कहाँ समझाया तो होगा ना हलाल और हराम का फ़र्क, सूद में कितना निसाब हो, कहाँ लिखा? आप लोगों का जो होता है ना, हमारा तो शरीयत का मसला ये है कि जो भी आप चीज़ देते हो ना, वो आपकी ज़मीर नहीं मानते, तो भाई नहीं करो बस। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जमात खाने की तरफ, ओ भाई जमात खाने की तरफ जा रहे हो और रास्ते में जो है वो, नहीं, जो टीचर लगे हम नमाज तो पढ़ते हैं, मजहब के बगैर पढ़ते हो? क्योंकि मजहब एक दिन का सौदा है, भाई किचन और गंदगी के साथ रास्ता नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, हाजिर इमाम ने कहाँ बताया कि उसको पाक कैसे करना है? तुम्हारे कोई होगा, कोई रिजाल तो होगी ना, कोई आप लोगों का कोई तरीका तो होगा, मसाइल आपके इमाम कहीं तो बताते होंगे कि अगर तुम्हारे कपड़े पर खून लग जाए तो तुम दुआ पढ़ सकते हो या नहीं, तुम नमाज पढ़ सकते हो या नहीं, तुम जमात खाने में आओगे तो तुम्हारे तुम्हारा वजू होना चाहिए या नहीं, इमाम ने कहीं तो सिखाया होगा? हाँ तो कहाँ इमाम ने कहाँ आपको ये सब हलाल हराम, इस्लामिक तरीके, वजू का तरीका, इस्माइलियों का होगा ना? देखो एक नहीं, हर चीज इमाम ने ये मेरा बोल रहे हैं ना, क्योंकि इंसान क्या अपने इंटेलेक्चुअल है भाई, इसको भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल है, अपने दिमाग से करना है, किस तरह देखना है, हर चीज इमाम तो नहीं कह सकते, कुछ हमारा भी अंक है, इमाम करता क्या है? एक बात बताओ, तुम्हारे इमाम ने तुम्हें कहा क्या है? तुम्हारे इमाम ने आज तक ना इबादत करके बताई है, ना उसने हज करके बताया है, हलाल हराम का भी तुम्हें नहीं पता कि सूद कौन सा जायज़ और कौन सा नाजायज़ है, शराब बेचनी है कि नहीं बेचनी है, सूअर का गोश्त बेचना है कि नहीं बेचना है, फिर तुम्हारा इमाम बताता क्या है? खाली ये आके बताता है कि कोविड वैक्सीनेशन लगा लो बच जाओगे, क्योंकि मैंने भी लगा ली है। हमारे पास अचार डालोगे तो तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है, अंकल जिंदा इमाम का करना क्या है आपने? अगर उसको